सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला कैसे आप सर्वर में सिंपल वॉइस चैट इमेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आप गेम में भी बात कर सकते हो। तो इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, पर वो प्रोसेस अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन टू द वीडियो। तो आपको क्या, फर्स्ट में यहाँ पर इटरनस सर्वर में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्वर को एक क्रिएट कर देना। थोड़ा लोड लेने के बाद यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो सर्वर क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर में वैनिला दिखेगा, आपको इसको चेंज करके यहाँ पर पेपर एम सी आर स्पीकर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर पेपर बकेट ही कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्जन सिलेक्ट करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। 1.12 को लेकर 1.20 तक आप कुछ भी वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर 1.16 करता हूँ। आप इसमें लेटेस्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद प्लगइन नाम का आपको उसमें चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल वॉइस चैट आपको ये टाइप कर देना है। यहाँ पर ये टाइप करने के बाद इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ये मोड्रिन या देव बकेट आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं अभी फर्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको एक बार यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करना है। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे काम है, यहाँ मैं वो बताता हूँ। पर अगर आपको परमिशन भी देना है तो आप यहाँ पर लॉक कम भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं अभी परमिशन देना भी बताऊंगा। तो आपको ये इंस्टॉल कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट कर देना है। तो सर्वर स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पर फाइल में जाना है। यहाँ पर आपको फाइल दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लगइन वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉइस चैट का एक आ जाएगा, यहाँ पर आपको इसमें चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉइस चैट सर्वर प्रॉपर्टीज आपको इसमें चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको यहाँ पर ब्लाइंड एड्रेस में रखना बताया था, पर आपको अभी ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ इस पोर्ट को यहाँ पर काट देना है। तो इसके जगह पर आपको कोई बिना स्पेस दिए -1 लिख देना है। आप यहाँ पर -1 लिख के यहाँ पर सेव कर सकते हो, और यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, डिफॉल्ट ही छोड़ देना है उसके बाद। और यहाँ पर आपको ये सेव कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर परमिशन देना बताऊंगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल वाले ऑप्शन में जाना है। ये भी ध्यान रखना कि आपके लॉक पंप प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। कुछ बंदे कमेंट में आके बोलते हैं कि मेरा यहाँ पर /LP एडिटर काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। आपको ये टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ आके आप यहाँ का आगे के वाले /, दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आप यहाँ पर इंटर कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगा, आपको इसमें चले जाना है। इसमें चले जाने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर डिफॉल्ट में चले जाना है। तो आपको यहाँ पर मैं जो जो बोलता हूँ आपको वही वही परमिशन देना है। आपको वॉइस चैट आपको एक ये दे देना है। उसके बाद वॉइस चैट डॉट ग्रुप्स आपको ये दे देना है, लिसन दे देना है, और आपको स्पीक दे देना है, इतना दे देना है, एडमिन वाला मत देना। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। उसके बाद ये सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर एक ये आएगा, यहाँ पर अप्लाइड वाला, इसको आपको कॉपी करना है, कंसोल में जाना है, और आपको इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर। ये होने के बाद यहाँ पर हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको वो करना होगा। उसके बाद आपको लिए यहाँ पर एक टैब ओपन करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करिए सिंपल वॉइस चैट। आपको सिर्फ यही टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर फर्स्ट में कॉर्स फोर्स का आएगा, मैं इसको लिंक भी दे दूंगा आपको, वरना आप यहाँ पर डायरेक्ट भी जा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल्स वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी वर्जन आप यहाँ इंस्टॉल किए हो सर्वर में, जैसे मैंने यहाँ पर अभी 1.16.5 किया है, आपको यही वर्जन यहाँ आके ये डाउनलोड कर देना है। तो मैं अभी यहाँ पर सेट करता हूँ यहाँ गेम वर्जन में 16.5 को। तो मैं यहाँ पर फैब्रिक को यहाँ पर फर्स्ट को यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। आप वैसे ही आप अपना भी कर लेना। सिंपल वॉइस चैट इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड पे विंडो बटन प्लस आर बटन आपको एक साथ ही दबाना है। उसके बाद यहाँ पर एक ये ओपन होगा आपका रन कंसोल, उसमें आपको परसेंट ऐप
डाटा परसेंट ये लिख देना है और आपको इंटर कर देना है। मैं यहाँ पर नीचे लिख दूंगा यहाँ पर क्या लिखना है, उसके बाद आपको ये इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इंटरफेस दिखेगा जो मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर माइनक्राफ्ट वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको वहाँ से मोड फोल्डर में जाना है। वहाँ मोड फोल्डर में आप जो इंस्टॉल कर रहे हो वो रख देना है और इसके बाद हो जाएगा, आप कट कर सकते हो। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर माइनक्राफ्ट में जाता हूँ और माइनक्राफ्ट में बताता हूँ आपको इसको यूज कैसे करना है। तो चलिए, सो गाइस मैं अभी यहाँ पर माइनक्राफ्ट में आ चुका हूँ। अभी आप यहाँ पर साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर वॉइस वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये आ रहा है मतलब आपका ये काम कर चुका है। वरना आपको यहाँ पर एक क्लियर का साइन आएगा, वो कब आता है मैं आपको बताता हूँ। आपने कुछ गलती किया होगा, मैं आपको एक पूरा बताता हूँ, आपको ये ध्यान से सुनना है। क्या होता है, अगर मैंने जो मोड इंस्टॉल किया है वो मैंने मानो 2.4.30 वर्जन का इंस्टॉल किया है, तो मतलब आपको सर्वर में भी वही वर्जन इंस्टॉल करना होगा। अगर आप वहाँ पर 2.4.30 के जगह पर 2.4.31 या उधर कुछ वर्जन इंस्टॉल करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। आप समझ रहे हो ना, ये बात आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, वरना ये वर्क नहीं करेगा। आप कमेंट में बोलते हो उसके बाद क्यों ये वर्क नहीं किया, मतलब इसका वही प्रॉब्लम होता है। जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको देखना होगा वो वर्जन आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है मोड फोल्डर पर, आपको वो बात ध्यान रख के इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। अभी इतना करने के बाद मैं आपको यहाँ पर अगर वर्क कर गया तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ पर सर्वर में आने के बाद आपको वी प्रेस करना है। वी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है। अगर आपको यहाँ वॉइस के बदले यहाँ पर पहले पुश टू टॉक में होगा, आपको इसको वॉइस में बदलना है। वॉइस में बदलने के बाद ये वो करेगा। उस पर आपको फिर से वी में जाना है और यहाँ पर आपको एक ग्रुप बना लेना है। यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं अभी यहाँ पर एक रख देता हूँ। आप यहाँ पर पासवर्ड रख भी सकते हो और वरना आपको यहाँ पर क्रिएट कर देना है। तो आप यहाँ पर एक ग्रुप में आ जाओगे। अगर आपको यहाँ पर कोई बंदा है जो भी यहाँ मोड इंस्टॉल किया, आपको मैं और एक बात बताता हूँ, आपको ये मोड सभी को इंस्टॉल करना अपने सर्वर के साथ साथ सारे बंदे के। यहाँ पर पीसी अथवा आपके पास कुछ पोजा आप यूज करते हो तो आपके डिवाइस में ये मोड इंस्टॉल होना चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर स्लैश लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉइस चैट ये टाइप करना है। यहाँ पर आप इनवाइट करके यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हो। ये करने के बाद आप इनवाइट हो जाओगे और आपको लीव करना है तो यहाँ पर लीव कर सकते हो। ज्वाइन करके आप यहाँ पर अगर उसने पासवर्ड रखा होगा तो यहाँ पर पासवर्ड टाइप करोगे तो पासवर्ड आप उसमें भी ज्वाइन हो जाओगे। तो आप इतना करोगे तो ये वॉइस चैट वर्क करने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जब यहाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर, तो ऐसे आप यहाँ पर वर्क करा सकते हो। यहाँ पर आप ये बदल सकते हो ये यहाँ पर आप यहाँ से कुछ वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, माइक्रोफोन स्पीकर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। और आपको ये वाले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए हो, मतलब आपको कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर डिस्कॉर्ड में आ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको डिस्कॉर्ड में बता दूंगा आप यहाँ पर कैसे हो रहा है ये, मतलब आपका कुछ नहीं हो रहा है तो मैं डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ भी ये डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।